खबर बलिया से है, जहां कोतवाली पुलिस ने एक आदमी के पास से लगभग 17 किलो सफेद धातु के आभूषण यानी चांदी के गहने बरामद किए हैं। यूपी के बलिया में कोतवाली पुलिस ने एक आदमी के पास से 16.975 किलो सफेद धातु के आभूषण यानी चांदी के गहने बरामद किए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर सफेद धातु चांदी के आभूषण पायल बिछिया के साथ एक आदमी के द्वारा इन आभूषणों के किसी प्रकार के वैध कागजात नहीं दिखाने पर बलिया रेलवे स्टेशन से पुलिस हिरासत में ले लिया गया और तमाम चांदी के आभूषणों को जब्त कर लिया गया। इसकी तलाशी लेने पर कुल 16.975 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद किए गए, जिसमें पायल बिछिया और कान की बाली इत्यादि मौजूद थे। इस बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आयकर विभाग से भी संपर्क किया गया और उन्हें कोऑर्डिनेशन करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली की पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने साथ में चांदी के आभूषण लेकर के आ रहा है, जो जिसके संबंध में उसके पास कागजात नहीं है और वह अवैध व्यापार करता है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा जांच की गई तो उक्त व्यक्ति बलिया रेलवे स्टेशन के पास में मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम पवन कुमार वर्मा बताया है, जो धर्मपुरी सदर थाना सदर कैंट जिला मेरठ का रहने वाला है। उसके पास से सफ़ेद धातु के आभूषण बरामद हुए, जो लगभग 16 किलो के आसपास हैं। तो उक्त सफ़ेद धातु के आभूषणों के संबंध में जानकारी करने पर उसने बताया कि उक्त आभूषण वो मेरठ से ला करके यहाँ बेचता है। टैक्स आदि के संबंध में उसने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए। प्रथम दृष्टया यह मामला आयकर विभाग से संबंधित है, अतः संपूर्ण मामले को आयकर विभाग को सूचित करते हुए उनसे पत्राचार किया गया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच आयकर विभाग द्वारा किया जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।